जब आप अभी घर जाए और आपको कोर्ट का एक समन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहता है नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन, कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन अवर सेल्फ। आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे। आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी। चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव। नहीं पढ़ा था ना। अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तक कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती, तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए। योर ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट फॉलोइंग द लॉ, हैज क्रिएटेड ऑल दिस ट्रबल। I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. Are we living in a situation where we can understand rule of law? It's really being implemented. अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में, हर ऑफिसर को बुला करके, संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फीचर। आपके पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में, तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को? आप ये बताइए ना, यू आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली, यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगा? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कोई इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिसके आधार पर आपने लिखा या आपके पेशकार ने लिखा, कुछ है तो बताइए मुझे। सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर, हाँ? तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को फिर। अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को, शॉर्ट पीरियड है, यही सब हम रिकॉर्ड कर देते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन, आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो, then you should be held liable, you should be proceeded against. Court should consider initiating proceeding against you, directing the competent authority and write to the BPSC and UPSC also to take note of your conduct.
हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस मिस्टर स्कीम, कि इलेक्शन का समय था इसलिए हमने, शॉर्ट टाइम था इसलिए ये कर दिया. यू आर मेकिंग क्रिमिनल्स और व्हाट? यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑर्डर. और अगर इसी तरह से ऑर्डर कोर्ट में हम सोचे कि कर दें तो क्या कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी? जिसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है. पावर का मतलब ये नहीं ना कि वो पढ़े ना, बचपन में कहीं पढ़े कि नहीं, शुद्ध नदी भरी चली तराई. बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है. सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में, जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है. तो आपको पावर दिया, आपको SDM बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए. तो दोनों एस्पेक्ट पर कुछ नहीं है आपके रिकॉर्ड, कोई तामला रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आपने वारंट कर दिया. सर उसने तामिला जो होता था सर, वो हम लोगों को रिकॉर्ड कर सर जो व्हाट्सएप से या फिर ओरल तामिला लगा दिया जाता था सर, और नेक्स्ट डेट पर सर हम लोग उसको अगर आकर के बॉन्ड दे देते थे तो फिर वो खत्म. और अदरवाइज यही प्रोसीजर होगा. और अगर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको सारी लिवरेज देंगे, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया था तामिला तो कोर्ट में भेजने के पहले रिकॉर्ड आपने उसको भी लगा दिया होता, या आपने जवाब में भी लिख दिया होता. कहां कहां क्या क्या एक्सप्लेनेशन लीजिएगा आप बताइए, बोलिए क्या करें इसका. फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, आई विल नेवर रिपीट. मुझे आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन एक्सपेक्ट सम गुड थिंग फ्रॉम यू इन फ्यूचर, बट मैं जैसे मैं आपको माफ कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माफ करना भी एक गुण होना चाहिए. माफ करना कोई गलत नहीं होता है, माफ करना भी एक गुण होता है. तो आप भी जब लोगों से डील कीजिएगा ना तो इस चीज को ध्यान में रख करके कीजिएगा. अगर भविष्य में इस तरह की कोई बात आई आपके विषय में तो कोर्ट विल टेक वेरी सीरियसली. मैं नहीं चाहता हूं आपके भविष्य को खराब करूं.